बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 6, सीक्वेंस एंड सीरीज, एक्सरसाइज 6.2। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 1/a और 1/b एंड 1/3 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शो दैट b इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई a प्लस सी। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। एंड सो हमारे पास आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। सो कॉमन एस देयर कॉमन डिफरेंस डी डिफरेंस इज सेम। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम रखें 1/c माइनस 1/d इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a। अब हम क्या करते हैं, b वाली टर्म्स को एक जगह और a बाकी रिमेनिंग टर्म्स एक जगह, यानी ये हमारे पास प्लस में है, यहाँ पर आके नेगेटिव हो जाएगा, या फिर ये नेगेटिव है, इधर हम ले आते हैं, तो 1/b ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आके 1/b इज इक्वल टू, ये यहाँ पर ले आते हैं, तो 1/c प्लस 1/a। यहाँ पर नीचे हो जाएगा बी एलसीएम और ऊपर 1+1, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए सी नीचे और ऊपर ए प्लस सी, और यहाँ पर हमारे पास टू डिवाइड बाई बी आ जाएगा इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइड बाई ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2ac आ जाएगा इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सी। अब हमने क्वेश्चन में देखे, हमने b फाइंड करना है, b इज इक्वल टू 2ac डिवाइड बाई ए प्लस सी, तो इसे इसके नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2ac डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। प्रूफ आसान सा है, बस हमने प्रैक्टिस करनी है इसकी।